गुड इवनिंग फ्रेंड्स और राम राम सभी को। जैसे कि अपन को पता है, कल अपने एक वीडियो डिस्कस किया था, इनफ के बारे में डिस्कस किया था अपन ने, और वो जो वीडियो डिस्कस किया था वो हालांकि कंप्लीट नॉलेज नहीं था उसके बारे में। कंप्लीट वीडियो लाइव सेटअप करने का, लाइव सेटअप करने का मतलब है कि लाइव उस टॉपिक को मैं कंप्लीट डिस्कस करूँगा, लेकिन लाइव डिस्कस करूँगा क्योंकि ऑथेंटिक है, मजा आएगा जो लाइव डिस्कस करेगा। आज अपन एक टॉपिक और छोटा सा डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए गारंटेड नया होगा। वो इसलिए नया होगा क्योंकि वास्तव में मैं चाहता हूँ कि हमेशा अगर आप मेरे लिए किसी वीडियो पे 5 से 10 मिनट खराब कर रहे हो, मतलब देख रहे हैं मुझे, तो मैं चाहता हूँ 10 मिनट आपका ऐसा ना लगे कि वास्तव में आपने खराब करे, आपको ऐसा लगे कि वास्तव में मैंने 10 मिनट आज यूज की, मैंने एक नई चीज सीखी जो मैंने कभी नहीं सीखी थी पहले। तो एक्चुअलिटी में आज अपन ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो वास्तव में आपके लिए नहीं होगी। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज अपन डिस्कस करेंगे, एक जबरदस्त वर्ड है, इन कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल। देखो इस टॉपिक का जो सिस्टम है ना, इस टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आर्टिकल के बेस पे अपन दो चीजों में डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिकल की दो चीजों के, दो वर्ड्स के मीनिंग में डिफरेंस को कन्वे कर सकता है, डिफरेंस मेंटेन करवा सकता है? जैसे कि आज वो सेंटेंस में लिखा है इन द कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ, इन दो वर्ड्स के बारे में अपन कंप्लीट नॉलेज डिस्कस करेंगे आज। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड है और आई थिंक आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने। तो इन चीजों को समझने के लिए पहले मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं, दोनों एग्जांपल्स को आप समझने की कोशिश करना और एक बार आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है? देखते हैं। मैंने लिखा The village is in control of the notorious, dacoits of the area. ये मैंने टॉपिक एक क्वेश्चन लिखा, नंबर टू, नंबर टू लिखा मैंने द प्लेस आर इन द कंट्रोल ऑफ द पेरिलस। दो क्वेश्चन मैंने लिखे, एक बार दोनों क्वेश्चन अपने स्तर पे आप आंसर करने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस में जो मैंने इन कंट्रोल ऑफ लिखा है क्या ये सही है, या फिर इस सेंटेंस में जो इन द कंट्रोल ऑफ लिखा है क्या सही है, एक बार अपने स्तर पे आंसर करने की कोशिश करो। और आज की वीडियो में डिस्कशन के बाद मैं आपके लिए एक अच्छी सी बात, एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और लिखूंगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, उसका आंसर आपको मिलेगा अगले वीडियो में, लेकिन उन क्वेश्चंस के तुम अपने स्तर पर आंसर करने की कोशिश करना। ओके, चलो इसको एक बार सोच के देखो कि आंसर क्या होगा। चाहिए क्या इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन में लिखा हुआ सही है, या ये जो इन द कंट्रोल ऑफ सिचुएशन में लिखा हुआ क्या सही है? चलो अगर नहीं समझ आया तो मैं समझा दूं। देखो होता क्या है कि जो इन द कंट्रोल ऑफ है, इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है बी under control, by someone other। और ये जो in control होता है ना, इसका मतलब होता है having control। But it, अब बात ही है कि जो इन द कंट्रोल ऑफ लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, बीइंग अंडर कंट्रोल बाय समवन अदर। और इन कंट्रोल ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, हैविंग कंट्रोल। अब देखो बात क्या है, इस सेंटेंस में मैं समझा देता हूं क्लियरिटी कैसे आएगी, क्लियरिटी इस तरीके से आएगी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, इस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ध्यान दे रहे हैं,
वो एक्चुअल में ये भी नहीं होगा कि ये जो द विलेज है ना ये कंट्रोल नहीं करेगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा। इसका मतलब है बीइंग अंडर कंट्रोल में सब होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कंट्रोल करेगा नहीं बल्कि उसको कंट्रोल किया जाएगा। इसका मतलब तब तो तुम्हें लिखना पड़ेगा इन द कंट्रोल नॉट इन कंट्रोल। अगर इन कंट्रोल ऑफ लिखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। गॉट इट? इसका भी सेंटेंस में इन कंट्रोल ऑफ इन द कंट्रोल किसी पर हम कंट्रोल करेंगे। इस बार जो सब्जेक्ट होगा ना, इस बार जो सब्जेक्ट होगा वो किसी अदर पर्सन पर कंट्रोल करेगा, न कि सब्जेक्ट पर कोई और कंट्रोल करेगा। तो इस बार ये समझने की कोशिश करो कि ये जो पुलिस है, अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में इस पुलिस को कंट्रोल कर रखा हो, या ये कहना चाह रहा सेंटेंस की पुलिस है वो इस पैरिलस सिचुएशन जो पैरिलस सिचुएशन है इसको कंट्रोल इसको सिचुएशन को कंट्रोल कर रखी है। अब मतलब ये जो पैरिलस सिचुएशन है वो पुलिस के कंट्रोल में है, ये कहना चाह रहा। इसका मतलब ये जो पुलिस है ना वो कर रही है इसका कंट्रोल, मतलब पुलिस को सिचुएशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया गया बल्कि पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। इसका हैविंग कंट्रोल नहीं है। जब अगर आप हैविंग कंट्रोल का मीनिंग अगर कन्वे करना चाहते हो तो फिर इन कंट्रोल। तो आज की क्लास में अपन ने जो दो शब्द पढ़े ना वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में जो डिफरेंस मेंटेन करने वाला वर्ड है ना, मेंटेन करने वाला वर्ड है वो द है, अटिल है। अब आपने सामने दो चार बातें अच्छी अच्छी आ रही है। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब क्या होता है? नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। अगर आप इसका ऑपोजिट लेने की बात करें, ये थोड़ी सी वोकैब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ टॉपिक के अंदर कि आपको हर एक चीज जो भी मैंने बोर्ड पे लिखी है वो सारी चीज अगर आपके आपके दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से हो जाए। नोटोरियस का मतलब हो गया कुख्यात। तो विख्यात का और इसका अगर ऑपोजिट पूछ लिया जाए, अगर इसका नोटोरियस का अगर ऑपोजिट पूछ लिया, नोटोरियस का अगर ऑपोजिट पूछ लिया, ऑपोजिट पूछ लिया जाए तो क्या होगा बेटा? फेमस, इमिनेंट, पॉपुलर, ये में से बने होंगे। क्लियर? गॉट इट? नोट कर लेना, काम की बात है। और एक शब्द आता है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक। अब खतरनाक किसी में क्या हो सकता है? हाजर्डस। डेंजरस। डेंजरस प्रीकैरियस। प्रीकैरियस इसके अलावा हो सकता है अनहोली। होली का मतलब पवित्र, अनहोली का मतलब जो चीजें हो खतरनाक होती वो होली होगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं वो इसके सिनोनिम होंगे, हानिकारक, सॉरी खतरनाक। गॉट इट? तो उस वर्ड से तो अच्छे से वर्ड आपके लिए याद रखने लायक है, ये वर्ड याद रखना। दूसरी बात, प्लीज जो शब्द है ये वर्ड दिखने में आपको सिंगुलर लग रहा है लेकिन रियलिटी में है प्लूरल। इसके साथ कभी भी इज मत लिखा, मतलब वर्ब सिंगुलर मत लिखा। इसके साथ वर्ब ऑलवेज क्या आएगी? प्लूरल आएगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो आज का जो कंसेप्ट था वो एंड रहा होगा इधर एंड रहा होगा। इसी बेस पे अपन मैं दो चार बातें और बता देता हूँ, वो भी अल्टीमेट और चीजें डिस्कस करते हैं, देखते हैं एक बार। एक होता है इन फ्रंट ऑफ और एक होता है इन द फ्रंट ऑफ। जब ये बात हमें समझ आ जाएगी तो ये बात भी क्लियर कर लोगे। तो बेटे क्या होता है, अब देखो सीधी सी बात है, इसमें एक में द लगा और एक में नहीं द लगा। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि आर्टिकल द ही दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो कुल मिला तो मेरी बात यही सी है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे उद्देश्य एक ही चीज होता है कि आप ऐसा कुछ देखें जो वास्तव में आपको फील हो, बेटर फील करवाए, वास्तव में आपको ऐसा लगे कि वास्तव में अपन कुछ बढ़िया सीख रहे हैं, अल्टीमेट चीजें सीख रहे हैं।
और मेरा उद्देश्य हमेशा लाइव आने का या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करने का मतलब यही होता है कि आप क्वालिटी चीज़ें सीखें, फालतू चीज़ों पर ना पड़े। ठीक है, राइट। अब देखते हैं इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, इन द फ्रंट ऑफ क्या होता है। ये बारे में शायद क्लास में कई बार बच्चों मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स उनको बता देता हूँ, वो शायद बच्चे अगर देख रहे हैं तो शायद समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चा नया है वो शायद नहीं समझ पाया। देखते हैं होता है क्या। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिफोर, जिसका मतलब के सामने कहते हैं हिंदी की बात करते हैं। और इन द कंट्रोल का मतलब होता है इनसाइड समथिंग, इनसाइड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बिफोर, इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है। फॉर एग्जांपल देखो, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द टीवी। जब भी उसका पति ड्राइविंग कर रहा होता है तो वो हमेशा कार के इन फ्रंट बैठती है। अब तुम खुद सोच रहे होगे कि कार ये मान लीजिए कार है, ठीक है, अब यहाँ तो बैठ नहीं सकते। तो ये इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के सामने, इसके सामने ये हो गया इनके सामने। और इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इसी के अंदर लेकिन आगे की तरफ, इसी के अंदर लेकर आगे की तरफ। तो इन द फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर थिंग के अंदर आगे की तरफ, समझ लो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मान लीजिए मैंने कहा कि वो कमरे में खड़ा है लेकिन आगे खड़ा है, तो कमरे में आगे खड़ा है इसका मतलब इन द फ्रंट ऑफ लिखो, इन द फ्रंट ऑफ द रूम। और अगर वो कमरे के बाहर है, कमरे के सामने खड़ा है, तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ। तो इस चीज को क्लियरिटी में ले आ रहा हूँ, इस क्लियरिटी को समझने की कोशिश कर, तो कल मेरा कि समझ के ज्यादा बेहतर आंसर हो सकता है। अब इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में वो टीवी के अंदर तो नहीं बैठे होंगे, आपके हिसाब से नहीं करे। अब चलो तुम बैठा भी दो, एक बंदा बैठा दो, पूरी फैमिली को तो तुम नहीं बैठा सकते, नहीं है गॉट इट। अब कल मेरा के बाद ये हो गई कि जो इन द फ्रंट ऑफ है वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में गलत हो गया, इसमें लिखो तुम इन फ्रंट ऑफ, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तुम लिखो इन फ्रंट ऑफ नहीं इन द फ्रंट ऑफ। तो शायद ये दूसरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो आज का जो डिस्कशन था वो इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ था, और एक डिस्कशन था इन कंट्रोल ऑफ और इन द कंट्रोल ऑफ। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, दो क्वेश्चन लिखूंगा आदमी, उन दोनों क्वेश्चन के तुम अपने स्तर पर आंसर करना, और उन दोनों क्वेश्चन के डिस्कशन जो है ना वो अगले अगले वीडियो में आपके लिए किया जाएगा, और केवल केवल उन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, अगला वीडियो में इतना ही होगा। गॉट इट, चलते हैं। और बेटा जब भी मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे,
क्योंकि मेरी वीडियो में आपको इतना अल्टीमेट कंसेप्ट मिलने वाला है जो शायद आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको कहीं सोर्स में नहीं मिलेगा, आप कहीं पर भी चले जाएगा, आप यूट्यूब कर लेना, गूगल कर लेना, ये कंसेप्ट आपको लिखे हुए मिल जाएगा। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मतलब अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, तो मैं कहने का मतलब ये है कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। ऑब्जर्व करने का मतलब कि मैं चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि यार ये चीज़ें कैसे हैंडल करूँ, और हैंडल करने का मतलब कि ये चीज़ों को बेनिफिशियल मतलब अल्टीमेट तरीके से देखना, समझना। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, जब तक आप इसको अच्छे तरीके से नहीं देखोगे, अच्छे तरीके से समझ के नहीं देखोगे, अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो आपको रटने वाली जो चीज़ है ना, एक दो बार में अच्छी लगेंगे, एक दो क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएंगे वो कुछ वगैरह, लेकिन ऑलवेज अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक कंसेप्ट को एक एक्चुअल वे में देखने की कोशिश कर रहा था, ऑथेंटिक वे में, और उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि तुम लोग इन कन्फ्यूजन इन फ्यूचर कभी कन्फ्यूजन में ना हो। मेरा हमेशा यही प्रपोज होता है, यही कोशिश होती है। फिर एक क्वेश्चन देखना, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कि आपको आंसर करना है, ठीक है? अब ऐसे जो मस्ट बी इन पोजिशन ऑफ द completely. Bye. Thank you.